Hi, myself Engineer Javed Azmi, former principal to the Shahdanam Polytechnic, Bhiwandi, and general secretary of the Practicing Architects Engineers Association of Bhiwandi. Also, panel engineer for the Bhiwandi Corporation, the structural engineer of the Government of Maharashtra for the whole Maharashtra. हम लोग एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑडिट रिपेयर मेंटेनेंस इट्स लुक आफ्टर तो ये चीज़ जनरल पब्लिक के लिए शेयर करना चाहूँगा जनरल पब्लिक की मालूमात के वास्ते हम लोग अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में और चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हमको लिखते हैं हमारे साथ जुड़े रहते हैं यूट्यूब के ऊपर में उनकी मालूमात में इजाफा हो उनके काम की चीज़ें तो सीरीज वाइज चलेगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ मुझे देख करके फिर अपने हिसाब से लिखिएगा तो ताकि हम इस सीरीज़ को और अच्छे ढंग से पेश कर सकें आप इस एपिसोड में हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑडिट है क्या और स्ट्रक्चर ऑडिट किया क्यों जाता है दो चीज़ें हैं एक तो स्ट्रक्चर ऑडिट है क्या के टॉपिक के अंदर में कि स्ट्रक्चर ऑडिट हम किसको बोलते हैं या क्या कहलाता है स्ट्रक्चर ऑडिट ऑडिट मतलब किसी चीज़ का चेक करना आपने सुना होगा CA वगैरह करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं अकाउंट्स ऑडिट करते हैं तो उसमें चेक किया जाता है कि भाई बिल्स वगैरह बराबर है कि ओरिजिनलिटी चेक की जाती है सेल परचेज देखा जाता है जो भी है ऑन द कॉन्ट्रेरी ये ऑडिट दूसरी चीज़ है इसमें इन्वेस्टिगेटिव पार्ट आ जाता है इसमें आपकी एक बनी बिल्डिंग को चेक किया जाता है इसमें इंजीनियर्स अपने मशीनरी के साथ अपने एक्सपीरियंस मैन पावर के साथ में आते हैं जगह पर वो चेक करते हैं और स्ट्रक्चर ऑडिट करने का जो रूल है जो नियम है 30 ईयर्स के बाद बिल्डिंग को ऑडिट किया जाता है ऐसा कुछ है जब कॉरपोरेशन की नोटिस आती है तो कंपलसरी हो जाता है ऑडिट कराना ऑडिट करने से दो फायदे हैं एक तो आपको मालूम पड़ जाता है कि बिल्डिंग क्या स्टेज पे खड़ी है कैसा है काम है या नहीं है या फिर यह बिल्डिंग को बनाना है या फिर तोड़ना है सारे स्टेजेस मालूम पड़ जाते हैं स्पेशल ऑडिट कम्प्लीट अगर करना है उसको एक वर्ड में अगर समराइज करें तो ये हेल्थ एग्जामिनेशन ऑफ द बिल्डिंग है बिल्डिंग की हेल्थ का चेकअप है और कुछ नहीं और बिल्डिंग के हेल्थ का चेकअप कैसा है अब जैसे हम अपनी हेल्थ चेकअप के वास्ते डॉक्टर के पास जाते हैं तो वी कैन मूव अराउंड बट बिल्डिंग कैन नॉट बिल्डिंग जो है वो पेशेंट के पास डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है तो उसके पास इंजीनियर्स अपनी मैन पावर मशीनरी के साथ में पहुँचते हैं उसके बाद बारीक बिनीस एग्जामिनेशन करते हैं कम्प्लीट देखते हैं उसमें UPV मशीन लगती है रिबॉन्ड हैमर लगता है हाफ सेल पोटेंशियल टेस्ट होता है कार्बोनेशन टेस्ट होता है कोर कटिंग होता है काफ़ी टेस्ट हैं उसके अंदर में मैं अगली सीरीज में आपको समझाऊँगा उसके बाद वो कंप्लीट एग्जामिनेशन फिजिकल चेक करने के बाद उसके सारे फोटोग्राफ लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसमें अपना कंक्लूजन देते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल ऑडिट उस ऑडिट में लिखा जाता है कि भाई ये बिल्डिंग हमने देखा इसके फला कॉलम खराब है फला बीम खराब है फला स्लेब खराब है आइडेंटिफिकेशन हो जाता है डिस्ट्रेस मैपिंग बोलते हैं उसको डिस्ट्रेस मैपिंग बना करके भाई ये चीज़ें खराब है इसको चेक करना ज़रूरी है बनाना है इसको रिपेयर करना ज़रूरी है उसके हिसाब से उसमें आइडियाज़ दिए जाते हैं उस पर सजेशंस देते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस लिखता है इंजीनियर और उसके हिसाब से फिर वहाँ पे साइट पर स्ट्रक्चर रिपेयर का काम होता है और ये स्ट्रक्चर रिपेयर सेकंड स्टेज हो गया ऑडिट के बाद में रिपेयर तो रिपेयर के वक्त में ऑडिट की रिपोर्ट